आईफोन में टाइप सी का केबल क्यों नहीं आता और ऐसा क्या हुआ कि क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी सच में एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन गए और क्यों जापान के लोग 200 रुपए के टूटे हुए कटोरे को 1,00,000 रुपए के सोने से जोड़ते हैं और क्रिकेट बैट में ये हिस्सा क्यों आता है। ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, श्रीलंका में इस वक्त एक सेब की कीमत 1,200 रुपए है और वही अंगूर की कीमत 1,800 रुपए तक पहुंच गई है। यहां पर महंगाई अपनी चरम पर है, ऐसे में इनको बहुत मदद की जरूरत है। नंबर 21, ये ट्रिक से आप केले को महीनों के बाद भी खा सकते हो। आप जब केला खाते हो आपको बनाना के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से प्लास्टिक लगा देना है जिसकी वजह से हवा इसके अंदर तक नहीं जा पाएगी और बनाना काफी वक्त तक नहीं सड़ेगा। नंबर 20, क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी को तो आप सब जानते होंगे, पर हाल ही में अनूप सोनी जो है वो एक्चुअली में एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस से डिग्री हासिल की जिसके बाद अब वो एक रियल लाइफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं और अब वो चाहे तो किसी भी के साथ जुड़कर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बिल्कुल सीआईडी की तरह। नंबर 19, पहले घोड़े कार की तरह बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते थे पूप करके, जिससे काफी गंदगी होती थी। इसलिए जब कार का इन्वेंशन हुआ तो लोग उसे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा मानते थे कि कार बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, फास्ट है और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन अब सब उल्टा है। नंबर 18, एक लड़का रोज स्कूल जा कर थक गया था। उसका स्कूल घर से काफी दूर था तो उस बंदे ने अपनी स्कूल टीचर से ही शादी कर लिया, अब वो रोज उसे घर पर ही पढ़ाती है। वाकई में इससे ज्यादा थग लाइफ और कोई नहीं होगा। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी जल्दी होने वाले हैं। नंबर 17, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर वही गाने पसंद आते हैं जो उनके मम्मी या पापा अपने टीनेज के टाइम सुना करते थे। यानी अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उसे अपने मम्मी और पापा के टीनेज वाले गाने पसंद आएंगे और जैसे वो बड़ा होता है तो वो ट्रेंड के हिसाब से अपने पसंदीदा गाने चुनेगा। नंबर 16, जापान में अगर छोटी सी भी चीज टूटती है तो उसे असली सोने से रिपेयर किया जाता है। जापान में जब किसी कप जैसी चीज टूटती है तो उस चीज को गोल्ड के जरिए रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसमें बिल्कुल रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, देखा जाए तो ये इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नंबर 15, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पैलेस नाम की एक कंपनी है जिसने एक फेक लग्जरी स्टोर खोला था और उसमें कई बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और स्टार्स को बुलाया गया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लोग बस ब्रांड के नाम पर कितने रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में उन्होंने बस एक $20 के जूते को शोपीस में रखा, लेकिन इस जूते के लिए लोग $640 देने के लिए तैयार हो गए, यानी कि 700-800 के जूते के लिए वो लोग 50,000 देने के लिए तैयार हो गए। नंबर 14, नासा से ली गई इस मास के फोटो में यहाँ पर हमको एक क्लियर कट दरवाजा दिख रहा है। नासा कई बार मास की फोटो रिलीज करता रहता है, लेकिन इस वाले फोटो में हमको एक क्लियर दरवाजा दिख रहा है और नासा के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए कई लोगों का कहना है कि ये किसी सीक्रेट जगह पर जाने का दरवाजा है जिसके अंदर हो सकता है आज भी कोई रहता हो, यानी कि एलियन। वही कई लोगों का कहना है कि ये बस कोई नेचुरल फेनोमेना है, पर ये इतना ज्यादा परफेक्ट है कि ये नेचुरल फेनोमेना लगता नहीं। नंबर 13, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि पांडा का एक साल इंसानों के 3 साल के बराबर होता है। पांडा जो होते हैं वो पूरे साल बस खाते हैं और सोते हैं जिसकी वजह से वो काफी सुस्त होते हैं। इसी वजह से अंदाजे के तौर पर पांडा का जो 1 साल है वो इंसानों के 3 साल के बराबर है। इसी के साथ जो पांडा है वो इंसानों से 3 गुना कम जीते हैं। नंबर 12, इस इमेज को देखो, इसमें आप म्यूजियम के ग्लास और नॉर्मल ग्लास में फर्क पता कर सकते हो। लेफ्ट वाला म्यूजियम का ग्लास बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये ग्लास के अंदर है और व्हाइट वाला नॉर्मल ग्लास है। नंबर 11, इस फुटबॉल को स्पेस से गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 1986 में नासा के एक शटल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें उस शटल के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मर गए और उस शटल की हालत भी बेहद बुरी हो चुकी थी, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट अपने साथ एक फुटबॉल को लेकर गए थे जो कि सही सलामत बच गया और इस धमाके के बाद उसे अटलांटिक ओशन में देखा गया। नंबर 10, पिछले 1 साल में बस इंडिया में 80 मिलियन से ज्यादा लोगों का ऑनलाइन डेटा चुराया गया था और इसे गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ऑफ कोर्स वीपीएन। और जब वीपीएन की बात आती है तो सर्फशार्क को कैसे भूल सकते हैं। सर्फशार्क पूरी दुनिया में top 3 वीपीएन में से एक माना जाता है और ये बाकी सारे वीपीएन के मुकाबले ज्यादा सिक्योर और सस्ता है। ये मेनली आपके डेटा को सिक्योर करता ही है जिसकी वजह से कोई भी आपके डेटा को हैक नहीं कर पाता। लेकिन इसी के साथ इसमें और भी कुछ कमाल के फीचर्स हैं जो शायद ही आपको किसी और वीपीएन में देखने को मिलेंगे। सर्फशार्क आपके टारगेटेड ऐड से भी आपको बचाता है जिससे आपका टाइम और आपका नेट दोनों बचता है और ये साथ में ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पैसे बचाता है। जब ऑनलाइन शॉपिंग करोगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से तो फिर सर्फशार्क आपको कमाल के कूपन कोड ढूंढ कर देगा जो आपको 50% सेव कर सकते हैं और इसी के साथ आप न्यू कंटेंट देख सकते हो सिर्फ सर्फशार्क पे। आपको पता होगा हर कंट्री में ऐसी मूवीज होती है जो बस वही मिलती है, जैसे की द ऑफिस सीरीज आप इंडिया में नेटफ्लिक्स पर नहीं देख सकते हो, पर इस वीपीएन में आप अपने लोकेशन को लीगली चेंज करके द ऑफिस सीरीज नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
हो। और हाँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो और फिर कैंसिल करना चाहते हो तो आप 30 दिन में कर सकते हो और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी इसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड इट्स फैक्ट को यूज करते हो तो आपको मिलेगा लिटरली 83% का ऑफ और साथ ही में 3 एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री। तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को यूज करो और कोड इट्स फैक्ट यूज करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 10, इस कमाल के इन्वेंशन को देखिए। ये वीडियो 1950s का है और यहाँ पर जो कार है इसमें 4 की जगह 5 टायर हैं और पांचवा टायर ऊपर की तरफ चिपकाया हुआ होता है। और जब कहीं पर भी पार्किंग करनी होती है तो इस पांचवे टायर की मदद से आप पैरेलल पार्किंग कर सकते हो। जिन लोगों को पार्किंग सही से नहीं आती थी उनके लिए ये बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस डिजाइन को निकाल दिया गया। नंबर 1972 में एक फाइट के दौरान मोहम्मद अली अपने अपोनेंट को मारना छोड़ देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनका अपोनेंट बहुत ज्यादा थक चुका है और वो एक भी पंच नहीं मार पा रहा था। तो मोहम्मद अली जानते थे कि वो इस मैच को आसानी से जीत चुके हैं और उनका ओपोनेंट भी ये बात जानता था, लेकिन वो अपने प्राइड के लिए मैच को नहीं रोकता। तब मोहम्मद अली ने मैच को खुद रुकवा दिया। इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 8, ये फुटबॉल प्लेयर को फाट मारने की वजह से टीम से ही निकाल दिया गया। दरअसल जब ये ड्रेसिंग रूम में थे तब ये बार बार फाट मार रहा था और बहुत ज्यादा हंस रहा था, तो इसकी वजह से ये टीम के फोकस को काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। हालांकि ये एक बहुत अच्छे प्लेयर है इसलिए इन्हें जल्दी वापस ले लिया जाएगा और इनका नाम मार्सेलो है और ये लायोन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। नंबर 7, ये जो लड़की अभी आपको दिख रही है, इसका पति और इसका बेटा जब मैच दिखने के बाद फिर से घर जा रहे थे तो इनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और जब ये बात टीम के लोगों को पता चला तो उन्होंने अपने अगले मैच के लिए इस लड़की को बुलाया। इसने भी सोचा कि अगर वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो वहाँ चले जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँची तो वो जिस टीम को सपोर्ट कर रही थी वो टीम के सारे मेंबर्स ने उनके बेटे और उनके पति की फोटो वाला टी शर्ट पहना हुआ था। ये वाकई में काफी इमोशनल था। नंबर 6, इस क्यूट वीडियो को देखिए। इस डॉग के जो ओनर हैं वो बहुत आसानी से डर जाते हैं, तो ये डॉग जो है वो हमेशा अपने ओनर को डराने की कोशिश करता है। जब भी वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तब ये डॉग आकर उन्हें हमेशा डराता है। ये देखने में काफी क्यूट लगता है। नंबर 5, इस फोटो को देखिए। यहाँ पर तो जो बड़े लोग दिख रहे हैं वो दिल्ली दरबार के 2 गार्ड हैं और बीच में जेम्स रिकॉल्टन खड़े हैं जो कि एक अमेरिकन फोटोग्राफर हैं और ये 1903 में भारत में आए थे और ये गार्ड वाकई में बहुत ही लंबे थे। नंबर 4, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्वैन होते हैं यानी कि हंस, वो दूध और पानी को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से पानी पी सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक इंडियन माइथोलॉजी है जिसमें हमसा नाम का एक स्वैन था जो कि ऐसा कर सकता था, पर असलियत में ये ऐसा नहीं है। वो बस एक कहानी है जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 3, थॉमस एडिसन बहुत महान साइंटिस्ट माने जाते थे, पर क्या आपको पता है जब ये रात को काम करते थे तो अपने साथ हमेशा मेटल का बॉल रखते थे ताकि अगर काम करते हुए उन्हें नींद आ जाएगी तो वो मेटल का बॉल उनके हाथ से नीचे गिर जाएगा और उनकी नींद टूट जाएगी और वो फिर से अपने काम में लग जाएंगे। नंबर 2, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपने यकीनन क्रिकेट बैट में इस हिस्से को नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका काम क्या है? अगर आप नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिकेट बैट का कर्व होता है। माना जाता है कि अगर कर्व अच्छा है तो बैट बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा। इसी के साथ अगर ये परफेक्ट सेंटर में नहीं होता तो बैट का बैलेंस डगमगाता है। अगर आप कोई लोकल में खेलते हो तो फिर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली खेलते हो तो फिर अगर बैट बैलेंस नहीं है तो फिर शॉट मारने में दिक्कत होती है। इसी के साथ ये बैट के वजन को भी कम करता है। अगर बैट पूरा स्क्वायर शेप का होगा तो वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और शॉट मारने में दिक्कत हो जाएगी। नंबर 1, एप्पल में टाइप सी क्यों नहीं दिया जाता? आजकल तो लगभग हर एक फोन में टाइप सी का इस्तेमाल होता है, तो फिर एप्पल में क्यों नहीं? आइए जानते हैं। वैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन सबसे पहली बार एप्पल ने ही टाइप सी का केबल इस्तेमाल किया था अपने लैपटॉप में और आज भी एप्पल के ज्यादातर लैपटॉप में टाइप सी का कॉर्ड आता है लेकिन उनके फोन में नहीं आता। इसकी एक वजह यह भी है कि कंपनी को पैसे कमाने हैं। अगर टाइप सी का कॉर्ड दे दिया जाएगा तो फोन के चार्जर खराब होने पर आप मार्केट में किसी भी टाइप सी के कॉर्ड को ले लोगे, लेकिन अगर ये कॉर्ड होगा तो आपको कंपनी से ही चार्जर लेना पड़ेगा और हमेशा से एप्पल एंड्रॉइड से अलग ही रहता है, इसलिए वो भी अलग चार्जर कॉर्ड का यूज करता है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब है। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।